एंड यहां पे तुम नोटिस देख सकते हो एडमिशन टू बीटेक 12 डिग्री इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम 2021 तो इस पे क्लिक करो फिर ये वाला पीडीएफ ओपन होता है तो यहां इस पीडीएफ में लिखा हुआ है ये नोटिस है एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम तुम लोग देख सकते हो एप्लीकेंट्स एलोटेड थ्रू जोसा 2021 सीसप 2021 एंड टासा 2021 टासा मतलब एनआरआई लोग के लिए है

एंड तुम यहाँ बैंक डिटेल्स देख सकते हो इस बैंक डिटेल्स में तुमको ट्रांसफर करना है लेकिन ये अमाउंट नहीं है ये अमाउंट ये देखना जो साथ सी साइबी ट्वेंटी डिटेल्स बिलो तो ये जो नीचे डिटेल्स दिया हुआ उसके तुमको करना है एंड स्टार्ट डेट ऑफ क्लास एंड मोड ये देख सकते हो फिफ्टीन दिसंबर से तुम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ लिखा हुआ है क्लासेस विल बी हेल्ड ऑनलाइन टिल फर्दर नोटिस तो फिलहाल के लिए एनआईटी दुर्गापुर में सब कुछ ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है चाहे वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो या फिर क्लासेस अब हम लोग देख लेते हैं कि तुम लोग को बैलेंस भी कितना पे करना है तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पे तीन चीज दिया हुआ है एक तो है रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट ये जो एस सी एस टी पी डी कैंडिडेट है उनको सबमिट करने की जरूरत नहीं है इनकम सर्टिफिकेट लेकिन जो लोग फी रिमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं जिनका फैमिली इनकम लेस देन वन लाख है या फिर जिनका फैमिली इनकम लाख और फाइव लाख के बीच में है वो लोग को इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना है एंड जो लोग बाकी लोग है बीसीएनसीएल जिनका फैमिली इनकम पांच लाख से ज्यादा है तो उनको जरूरत नहीं है सबमिट करने की इनकम सर्टिफिकेट तो ये तो रही बात इनकम सर्टिफिकेट की एंड कैंडिडेट कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी तुम्हारा जोसा या सी साफ के कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट का कैटेगरी माना जाएगा तुम्हारा अगर एक्चुअल कैटेगरी ऐसी है एंड जो तुम्हारा में तुम्हारा जनरल में कन्वर्ट हो गया है तो तुमको जनरल के अकॉर्डिंग ही पे करना पड़ेगा जो भी बैलेंस फी है एक्चुअल फी तुमको पे करना है कैटेगरी वाइज वो यहाँ पे दिया हुआ है तो जो लोग एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट है उनको पे नहीं करना है एंड जो लोग फी रिमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी पे नहीं करना है सिर्फ जनरल ईडब्ल्यू एस ओबीसी एनसीएल जिनका फैमिली इनकम मोर देन फाइव लाख है बस उनको पे करना है नाइनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी रूपीज एंड यहाँ पे बैंक डिटेल्स दिया हुआ है तो इसको पे करना है एनई एफ टी के थ्रू नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है तो तुम लोग को जो रजिस्ट्रेशन के टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा वो स्कैन कॉपी करना होगा एंड तुम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट लिस्ट देख सकते हो सबसे पहले पासपोर्ट साइज कलर रिसेंट फोटोग्राफ एंड इसका साइज लेस दे के भी होना चाहिए स्कैन सिग्नेचर लेस देन हंड्रेड के भी होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और प्रूफ इशूड बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी फोर्थ फोटो आईडी प्रूफ एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स आधार कार्ड अगर होगा तो अच्छा है

को मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट एन में दिया हुआ है ये सेम टू तो सेम जोसा का फॉर्मेट में है तो जो तुमने जोसा में अपलोड किया था वही यहाँ यूज कर सकते हो एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एनरोलमेंट तो उन्होंने प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए पूरा स्क्रीनशॉट के साथ स्टेप्स बताया हुआ है तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये जो लिंक अवेलेबल है ना एनरोलमेंट के लिए ये टेन ए एम टू फाइव पी के बीच ही एक्टिव होगा जैसे अगर अभी नाइट है अगर इसे मैं ओपन करने की कोशिश करूँगी तो ऐसा कुछ एरर आएगा तो तुम लोग इस लिंक को वर्किंग आवर्स में टेन ए एम टू फाइव पी के बीच ही एक्सेस कर सकते हो तो जैसे ही ये लिंक ओपन करोगे तो ये पेज आएगा तो तुमको इसमें से एडमिशन फॉर बी टेक सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आईडी और पासवर्ड एंटर करके सबमिट करना है तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जो पीआईडी है ये तुम्हारा एप्लीकेशन आईडी होना चाहिए जो तुम्हारा जी का है एंड यहाँ पे सेकेंड वाले में पासवर्ड मतलब डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट करना है

You will be able to see the entire entries and uploading of documents you made. Check it carefully and uh, if found correct, click the submit button. Otherwise, back and edit for the necessary correction. तो step six में तुमको save and then next preview karna hai. To bhi hai, and preview करना है. तो जितने भी details तुमने भरे हैं, तुमको सारा दिख जाएगा screen में. And तुम verify कर लो कि सब कुछ सही है. अगर सब कुछ सही है, तो submit button पे click कर देना. तो अगर कुछ edit करना होगा, तो back and edit. बटन पे क्लिक करके जो भी एडिट करना है एडिट करके फिर फाइनली सबमिट कर देना उसके बाद लिखा है आफ्टर सबमिशन यू विल गेट अ मैसेज ऑफ योर सक्सेसफुल सबमिशन ऑन द सेम स्क्रीन योर सबमिशन इज सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ एडमिशन कमिटी ऑफ एनआईटी दुर्गापुर ऑन अप्रूवल यू विल रिसीव अ मेल फ्रॉम ये मेल आईडी दिया हुआ है लिंक्स फॉर डाउनलोडिंग योर एडमिशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन आई दुर्गापुर अप्रूवल होने के बाद तुम्हें एक अप्रूवल मेल आएगा इस पर्टिकुलर ई मेल से उस मेल में एक लिंक दिया रहेगा जिससे तुम अपना एडमिशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन दुर्गापुर को डाउनलोड कर सकते हो दिस में टेक टू थ्री डेज टाइम डो नॉट रिप्लाई टू द मेल यू रिसीव फ्टर दिस यू विल रिसीव कमिकेशन फ्रॉम टीचर्स एक्टिविटीज तुम लोग ये सारा डॉक्यूमेंट submit करने के बाद दो तीन दिन का वेट करना एंड दो तीन दिन में तुम लोग को अप्रूवल मेल आ जाएगा एंड उसके बाद जैसे ही मेल आता है तो उस मेल में रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है जब भी क्लास स्टार्ट होगी 15 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होने वाली है तो उसके लिए तुम्हारे जो क्लास टीचर्स हैं, वो तुमको क्लासेस के बारे में कम्युनिकेट कर देंगे चाहे वो ईमेल के थ्रू हो या फिर कॉल के थ्रू

नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये सारा सेम लिस्ट है एंड उसके बाद एंड उसके बाद अंडरटेकिंग है बी ये तुम लोग को प्रिंट फिलअप करके साइन करके अपलोड करना है एंड नेक्स्ट में है डिक्लेरेशन बाय पेरेंट ये भी तुम्हारे पेरेंट के लिए है उनका साइन चाहिए इसमें एंड फाइनल में ये सी वाला मेडिकल सर्टिफिकेट ये जोसा फॉर्मेट का ही है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है अगर तुमने जोसा में ऑलरेडी अपलोड किया है तो सेम मेडिकल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेटी दुर्गापुर में भी अपलोड कर सकते हो एंड उसके बाद लास्ट पेज में फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा डिटेलिंग में तो अगर तुमको देखना होगा पूरा डिटेल फी स्ट्रक्चर का तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तो एनआईटी दुर्गापुर का ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा सेवन दिसंबर से लेकर थर्टीन दिसंबर तक क्लासेस होगी फिफ्टीन दिसंबर को एंड तुम लोग को जो बैलेंस फी है वो एन के थ्रू पे करना है ये बैंक डिटेल्स दिया हुआ है तो आई होप जितने भी एनआईटी दुर्गापुर के कैंडिडेट हैं उनको समझ में आ गया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सेवन दिसंबर ऑनवर्ड्स तो अगर इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ लेना एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक एज सुन एज पॉसिबल तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में